हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक अच्छे टारगेट पर, अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। उसके नतीजे भी अच्छे आए हैं और उसके टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मैरिको के बारे में। देखिए, आज बहुत ही बड़ा जंप लगाया है इसके शेयर ने। 5 साढ़े 5 से 6% का ग्रोथ है। 20 रुपये तक का अपसाइड इसमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 360 रुपया, आप इसको कह सकते हैं कि 307 रुपये, 360 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आखिर इसकी जो नतीजा आए हैं वो बहुत ही बढ़िया है, और इनके जो टारगेट्स हैं, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट्स भी दिए हुए हैं, वो भी मेरे हिसाब से एक अच्छे टारगेट्स मैं इसको मानता हूँ। तो कौन से टारगेट्स हैं और कैसे नतीजे हैं, और आने वाले दिनों में आपको इसमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैरिको आज ही बहुत ही ऊपर उठा है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते से मैरिको के शेयर में देखिए 0.11% का ग्रोथ है। पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूस इसमें गिरावट बनी हुई थी, देखिए ऑलमोस्ट 360-365 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करा था, लेकिन ऐसे गिरावट आ गई थी कि 340 पर भी पहुंचा, और आज ही वही 340 का शेयर 365 तक पहुंच गया था अगेन। लेकिन वापस से थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर आया और एंड ऑफ द डे 360 रुपये के आसपास क्लोज हुआ। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में 0.67% का ग्रोथ है। अब चार्ट देखिए, तेजी आई थी, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट, अब यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल में देखिए 12% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। 295 रुपीज तक का लो ये बना चुका था और 394 रुपीज तक का हाई भी इसने बनाया है। एक 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल मेरिको में 46% का ग्रोथ है। देखिए 239 रुपीज का लो है और 394 रुपीज का हाई। देखिए 3 साल में ये शेयर 230 रुपये के भी नीचे नहीं गया, 233 रुपये तक, 235 रुपये तक भी ये शेयर नहीं गया है। तेजी आती है, गिरावट आती है, फिर उससे ज़्यादा तेज़ी आती है, फिर हल्की सी गिरावट, फिर उससे ज़्यादा तेज़ी, फिर गिरावट आती है बड़ी, फिर उससे ज़्यादा तेज़ी। तो ये वो शेयर्स है जिसमें अगर गिरावट आ भी जाती है तो कुछ वक्त बाद उससे कई ज़्यादा बाउंस बैक भी इसके शेयर में देखने को मिलता है। 10 साल के अगर हम बात करेंगे तो मैरिको में पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 975% का ग्रोथ है। चार्ट आप देखेंगे 31 रुपीज तक का लो था, ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चार्ट है। बीच बीच में जब भी गिरा है तब वापस से इसने बाउंस बैक भी किया है। लार्ज कैप स्टॉक है, 46,300 करोड़ से भी ज़्यादा कम मार्केट कैप है, और एनएससी में अगर आप देखने जाएंगे तो आज तो मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड था। नतीजे बहुत ही बढ़िया है। देखिए भले नेट सेल्स में गिरावट है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है इनका। अगर हम मार्च 2018 की बात करेंगे तो 1,480 करोड़ का नेट सेल हुआ करता था। दिसंबर 2018 में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ था, 1,860 करोड़ का नेट सेल हुआ, लेकिन मार्च 2019 में 1,600 करोड़ का नेट सेल, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 13% की गिरावट है। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 15% से भी ज़्यादा का ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट। अगर लेकिन जो सबसे ज़्यादा खेल यहाँ पर है वो नेट प्रॉफिट का है। मार्च 2018 में 181 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, दिसंबर 2018 में वो इंक्रीज होकर 247 करोड़ का रहा, लेकिन मार्च 2019 में ऑलमोस्ट 401 करोड़, मतलब 62% का ग्रोथ यहाँ पर है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटाई भी नहीं है, बढ़ाई भी नहीं, उतनी होल्डिंग मेंटेन रखी है। प्रमोटर्स के पास 59.57% की होल्डिंग है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जरूर बढ़ाई है, 26.56% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4.20% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.11% की होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 8.09% की होल्डिंग है। अदर डीआईएस के पास 0.47% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 26 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया, 570 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है, और 3.74% की इंडिविजुअल होल्डिंग है। डिविडेंड 275% का डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर। अगर मैरिको में मैं अगर मैं जा रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो मनी कंट्रोल में देखिए 51% बाइंग रिकमेंडेशन है, 45% सेलिंग है।
4% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिली है। पी हालांकि 41.45 का है, इंडस्ट्री पी 56 के आसपास है, बुक वैल्यू 28.45 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.62 की है, ईपीएस 8.66 है, डिलीवरीज 67% के आसपास की है। अगर मैं मैरिको में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ उनकी, तो कर्जा इनके ऊपर ना के बराबर, देखिए सिर्फ 131 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है जो कोई कर्जा नहीं है, और ये अभी का कर्जा है मार्च 2019 में, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिली है उसमें सिर्फ 131 करोड़ का ही कर्जा है, जो कर्जा कोई नहीं है, क्योंकि इनके नेट सेल्स बढ़िया है, नेट प्रॉफिट बढ़िया है, और तो टोटल असेट्स भी 3,640 करोड़ के आसपास के टोटल असेट्स है इनके पास। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो देखिए लाखों में होल्डिंग है, फ्रैंकलिन इंडिया, आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन इंडिया, यूटीआई, इन्होंने लाखों में होल्डिंग बनाई है। अगर टारगेट प्राइस की बात करेंगे तो अरिहंत कैपिटल ने बाइंग रेटिंग दी है मेरिको में, और टारगेट इन्होंने रखा है 435 रुपीज का टारगेट रखा है। दूसरी अगर फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो प्रभुदास लीलाधर ने होल्ड करने के लिए बोला है और टारगेट है 351। तो देखिए जहां है वहीं का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है, अभी भी हाल फिलहाल इतने पर ही ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करेंगे तो 425 रुपये का टारगेट इन्होंने मेरिको को दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करेंगे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये वो शेयर्स है जिसमें तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी देखने को मिलेगी। देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा है, तेजी आएगी तो गिरावट भी आएगी, फिर तेजी आएगी तो फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी फिर गिरावट आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अगर 10 साल का अगर आप पोर्टफोलियो लेके चलते हैं तो आपको इसी तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ ग्राफ देखने को मिलेगा, बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसलिए मैं ये आपको प्रीफर करूंगा कि देखिए आप शेयर खरीदिए लेकिन छोटी क्वांटिटी में खरीदिए, जब जब गिरावट आए तब तब खरीदिए, क्योंकि देखिए नतीजे अच्छा आए हैं, यहाँ से शेयर ऊपर भागेगा जरूर, और जब ये 380-390 रुपये तक जाएगा तब वापस से ये गिरावट भी आएगी, क्योंकि देखो जिन्होंने निचले लेवल पर खरीदा हुआ है वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, बेचने के लिए निकालेंगे, शेयर बेचने के लिए मार्केट में आएगा तो वापस शेयर जरूर गिरेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ आपको, आप भी बिल्कुल यही चीज फॉलो कर सकते हैं, शेयर्स में आप जब निचले लेवल पर मिले आप खरीदारी करिए, जब वापस से ऊपर चला जाए तब आप उसको होल्ड करिए। अगर मानिए कि अगर आपको इसमें 100 शेयर खरीदने हैं तो 10-10 की क्वांटिटी में उठाइए, और जब जब गिरावट आए तब तब उठाइए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।